जय हिंद दोस्तों, मैं नीतू राय ठाकुर स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल फौजी वाइफ हार्ड लाइफ में। कैसे हैं दोस्तों? आई थिंक आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सब लोगों की कृपा से मैं भी एकदम अच्छी हूँ। और चलिए दोस्तों, आज एक नए दिन के साथ में शुरुआत करते हैं एक नए ब्लॉग की। सो आप लोग कंटिन्यू हमारे ब्लॉग में ऐसे ही बने रहिएगा। और अभी जो है मॉर्निंग में मैं नहा धो के पूजा पाठ करके आ गई हूँ। और एक्चुअली कल मैंने आप लोगों को बताया नहीं था, कल मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मॉर्निंग से ही बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत पेनफुल प्रॉब्लम में थे हम। लूज़ मोशन के साथ साथ में पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो मतलब कल शाम को जब मुझे कुछ आराम मिला था तब मैंने वीडियो शूट किया था, और अभी भी थोड़ा थोड़ा मेरे पेट में पता नहीं क्या दर्द हो ही रहा है। और क्या, चलिए फिर ऐसे ही आप लोग बने रहिएगा। ओके, तो कल जो है ना पतिदेव जी ने पूरी भरपूर सेवा किया है और मैंने सेवा लिया है उनसे। पता है पहले तो जब मुझे दर्द हो रहा था ना तो इनको मजाक सूझ रहा था, ये सोच रहे थे ऐसे नॉर्मल हो रहा है। तो मुझे ना खूब, मतलब इनकी नौटंकियाँ हमेशा बच्चों की तरह चलती रहती थी, मुझे ऐसे बोल रहे थे। जब मैं बोल रही थी आह, तो कह रहे मेरे सामने खड़े होके कर रहे थे। हमको फिर मतलब मेरे ये तो समझ नहीं रहे थे, मुझे बहुत ज़्यादा पेन, मतलब बहुत बोल तो रही हूँ बहुत ज़्यादा वाला हो रहा था। तो जब मैं इनका अचानक मुंह बना रहा था, मैं रोने लगी खूब तेज़ी से। तब फिर इनको लगा कि मतलब बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, फिर डॉक्टर वगैरह को बुलाए। और चलिए आज तो मतलब ठीक हूँ, बस थोड़ा थोड़ा पेन हो रहा है। और एक चीज़ देखिए, अभी थोड़ा सा मुझे ध्यान आ गया, ये ना आजकल ना यहाँ पे मेरे ब्लैक ब्लैक हो गया है, ये दिख रहा है ना आप लोगों को। मैं जा रही थी ना, मतलब डॉक्टर के यहाँ लगातार 8-9 दिन गई हूँ, तो ये सब हो गया है पता नहीं क्या। तो इसका मैं कुछ उपाय देखती हूँ, आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। ओके, तो ऐसे पति ना भगवान सबको दे। ये है कोरोना वायरस, ओआरएस का घोल है, इन्होंने बना के दिया है। देखिए इधर, इधर देखिए, बहुत अच्छे लग रहे हैं। केवल लड़ाई करते रहते हैं बस, हटिए। मेरे ऊपर अपना पैर रख रहे हैं। अरे जाने देंगे कि नहीं, हमको तोड़ देंगे। हम देखिए ये लड़का पागल है, पागल है, पागल है। केवल दिन भर ईयरफोन लगा के कान में नाक में कुछ हो गया है क्या? गोबर वर्णियासाने लो गोबर पति कति। हिंदी बोला कीजिए, पूरा दुनिया अपनी भाषा बोल रहा था। ओ, सारी दुनिया अपनी भाषा बोल रही है तो ये भी बोलेंगे, मतलब भारत में जो है कुल मिला के हिंदी चलता है, ठीक है, तो आप हिंदी बोला कीजिए। ये गए थे गोबर का कंडा बनाने ना, हाँ कंडा ही तो इनके नाक में घुस गया है। झूठे, गोबर कभी छूते भी नहीं हैं, पापा सारा काम गाय वाला करते हैं और ये गोबर बनाने गए थे। जानो बाबू, हम बोला करिए अवधि तो तुम बोला करो भोजपुरी, ठीक है भाई? ठीक है भाई, समझ में आवा हम का बोले थे? का लखनऊ भाषा बोला करो। देखते हैं आज ना हम मतलब अवधि में बोलवाए और आप जो है भोजपुरी में बोले, देखी थे मतलब कह के ज़्यादा अच्छा हवा बोली हमार की आपके। हाँ ठीक, चलो फिर अभी इनसे स्टार्ट। आए
टी शर्ट, हाँ टी शर्ट डाल लियो पहले। डाल लियो नहीं पानी। तो गुड इवनिंग दोस्तों, अभी जो है शाम की हो रहे हैं 6:35। तो चलिए, मैंने सोचा आज केवल थोड़ी सी बातचीत करते हैं। ब्लॉग में आज ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा, आप लोगों से बातचीत ही रहेगा, क्योंकि ज़रूरी है बहुत। मतलब किसी ने एक पहले भी हमसे एक क्वेश्चन पूछा था और फिर से उनका कमेंट आया हुआ है, तो मैं आज सोच रही हूँ कि उसका जो है, मेरी जो थॉट है वो मैं बता दूँ। ओके। और आज मैंने सोचा था ना कि आज मैं ब्लॉग बनाऊंगी भोजपुरी वीएस औधी, बट कोई नहीं, दूसरे दिन बना लूंगी। आज बात ही कर लेते हैं। ओके। और देखेंगे ना तो आज लाइव भी आ जाएंगे। तो जो मैम ने क्वेश्चन किया था, आई थिंक वो अभी स्टडी करती हैं और उनकी शादी देखी जा रही है, बट जैसे उनके फैमिली वालों ने उनका कहीं पे रिश्ता देखा हुआ था, वो इंजीनियर थे और पैकेज काफ़ी अच्छा था उनका, और इन ये जो है किसी और से लव करती हैं जो कि फ़ौजी हैं, आर्मी मैन हैं, और उनका फैमिली बैकग्राउंड मतलब अच्छा, सभी का फैमिली बैकग्राउंड जो होता है वो अच्छा ही होता है, बट जैसे वो कंपेयरिंग कर रही थी, मतलब जो उनके मम्मी पापा ने देखा था उनसे जो आर्मी मैन का बैकग्राउंड था वो थोड़ा सा मतलब लो था, बट देखिए फैमिली बैकग्राउंड उतना मायने नहीं रखता है मेरे हिसाब से। लेकिन हाँ, आजकल देखिए, आजकल जो है ना बहुत लोगों के लिए ये चीज़ बहुत मायने रखता है, तो मैं सिर्फ अपनी तो बात नहीं करूँगी, आपकी क्या सोच है क्या नहीं। वैसे आपने आज के कमेंट में बोला है कि मैं अपने लिए बहुत कुछ मतलब नहीं वो करती हूँ, डिजर्व नहीं करती हूँ, तो ऐसे में तो मतलब आपको फिर मतलब अगर फौजी साहब से आप प्यार भी करती हैं जैसा कि आपने बोला है, तो उसके लिए तो आपको अच्छा था कि मतलब जो आपका प्यार है उससे आप शादी कर लें, बट आपने बोला कि पहले उनका कोई डिमांड नहीं था, अभी डिमांड हो गया, तो ये जो है ना, ये थिंकिंग मुझे बिल्कुल सही नहीं लग रही है, क्योंकि जहाँ पे प्यार होता है वहाँ पे डिमांड वगैरह बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ये गलत बात है। तो अगर वो आपसे डिमांड रखते हैं तो पहला तो ये बहुत गलत है, दूसरी चीज़ आप जैसे बोल रही थी कि अभी लड़ाई वो झगड़ा बहुत करते हैं, तो देखिए झगड़ा भी कई तरह का होता है, अगर वो आपसे सिर्फ नोक झोंक करते हैं मतलब ऐसे ही, मतलब प्यारी वाली जो नोक झोंक होती है बात बात पे मतलब ऐसे, तो वो तो कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है, वो तो प्यार में होता है, बट अगर वो आपसे जैसे हमेशा किसी चीज़ में रोक टोक लगाते हैं, आपको बोलते हैं आपको ये नहीं करना है, आपको ये नहीं करना है, अगर ऐसे इंसान हैं तो कतई आप उनसे शादी मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसे इंसान कभी भी सुधरने वाले नहीं होते हैं, और शादी के बाद तो ये चीज़ें और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, तो हम महिलाओं को ना फिर बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, या फिर ज़िंदगी सोच लीजिए कि कभी कभी हम कंप्रोमाइज़ करते 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 थक जाते हैं, ज़िंदगी एकदम नर्क हो जाती है। तो अगर वो ऐसे होंगे कि आपको हर चीज़ में रोक टोक लगाते होंगे कि यहाँ नहीं जाना है, ये नहीं करना है, ऐसे ड्रेस नहीं पहनना है, वैसे आप मतलब अगर समझदार होंगी तो सभी को अपना ड्रेस, अपना रहन सहन जो है खुद हम लोग अच्छा चूज कर लेते हैं, तो दूसरों के मतलब दूसरों का एडवाइस बहुत ज़्यादा, देखिए हाँ अगर हम गलत हों और वो कुछ अच्छा सिखा रहे हों, हम कुछ गलत कर रहे हों और वो कुछ अच्छा एडवाइस दे रहे हों, तो वहाँ पे वो चीज़ मानना चाहिए उनका, लेकिन अगर मतलब हम सही हैं, अपने फैमिली के हिसाब से सही हैं, अपने हिसाब से सही हैं, हमारा दिल जानता है, देखिए हम कभी कभी गलत होते हैं लेकिन फिर भी अपने आप को सही दिखाते हैं, कहने का मतलब हमारा समझिएगा, मतलब सही वे में आप सही होनी चाहिए, और वहाँ पे अगर वो आपको रोक टोक लगाते हैं गलत तरीके से, तो ये गलत है, फिर वहाँ पे आप शादी के लिए मतलब हम नहीं कहेंगे कि आप वहाँ पे तैयार हुई है। अगर आप गलत हैं, आप देखिए हम लोग कभी कभी गलत होते हैं, लेकिन वही मैं बोल रही हूँ ना कि अपने आप को गलत नहीं कहते हैं, लेकिन दिल जानता है कि हम गलत हैं, और वहाँ पे वो आपसे किसी बात को लेके झगड़ा करते हैं कि ये सही नहीं है, ऐसे करना है, तो वहाँ पे वो सही हैं, बट
अगर मैंने बोला कि मतलब जैसे कि मैंने बोला कि अगर मतलब बहुत ज़्यादा रोक टोक किसी चीज़ में बहुत ही आपको खुल, देखिए हम लोगों की भी तो लाइफ है ना, अगर आप खुलकर ऐसा लगता है कि अभी से वो आपको मतलब खुलकर नहीं जीने दे रहे हैं तो आगे भी नहीं जीने देंगे, ये श्योर है। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि अगर वो डिमांड रख रहे हैं और कुछ ऐसी मतलब बातों को लेकर झगड़ा करते हैं जो सही नहीं है समाज और आप मतलब आपके हिसाब से, और मतलब अगर सही तौर पे देखा जाए तो वो सही नहीं है, तो वहाँ आप जो है शादी मत कीजिएगा, मैं यही बोलूँगी। मैंने इनसे भी बोला तो ये भी यही बोल रहे थे। ओके, आई थिंक आपको मतलब आपके सवाल का जो है जवाब मिल गया होगा, और अगर नहीं मिला होगा तो कमेंट में बताइएगा, फिर मैं इसको और अच्छे से समझाऊंगी। ओके, तो मैंने जो बोला वो सही है ना, है ना सही, सही है। खुद से सही बता दे रही हूँ, एक्चुअली ये मैं अपना खुद का जो है एक्सपीरियंस बता रही हूँ, और क्या। देखिए प्यार बहुत बड़ी चीज़ होती है, अगर आपका वो प्यार है तो वहाँ पे, लेकिन एक बार आप मतलब समझाने की भी कोशिश कीजिएगा कि ऐसी ऐसी बात है, अपनी पहले अपने आप अपनी पहली बात को रख दीजिएगा कि मतलब देखिए मैं आपसे इस तरह का मतलब आपसे हमारा लगाव है और लेकिन आपकी ये आदतें हमको अच्छी नहीं लगती है, उनके में अगर आपको सुधार दिखाई देगा तो एक बार मौका दीजिएगा। ओके, लेकिन पहले मौका देख लीजिएगा कि सुधार हो रहा है कि नहीं, क्योंकि शादी बहुत बड़ी चीज़ होती है और उसके बाद हमारा लाइफ का बहुत मतलब अच्छा भी हो सकता है, बहुत बुरा भी हो सकता है, तो इसको ज़रूर आप एक बार समझिएगा, मतलब अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, पहले मतलब अच्छे से देख लीजिएगा। और बात है जो इंजीनियर थे, तो अगर ये नहीं सही लग रहे हैं तो वो मुझे सही लग रहा है। और चलिए, बातें तो बहुत लंबी हो गई, और क्या, और कुछ नहीं, पता है मैं सब्जी बना चुकी हूँ, आटा गूंथ के रख दी हूँ, आटा जाऊँगी तो अभी मतलब रोटी जाऊँगी तो अभी बनाऊँगी, मतलब अभी थोड़ा देर से बनाऊँगी, वीडियो वगैरह एडिट कर लूँगी, इसको अपलोड कर दूँगी, उसके बाद जो है रोटी बनाऊंगी। ओके, और एक कमेंट आज और आया था, तो इन्होंने पहले देखा, मतलब ये ना हमेशा मेरा खोल खोल के देखते रहते हैं, चैनल मेरा हमेशा देखते रहते हैं, तो यही देख रहे थे, तो बोल रहे थे कि देखो एक लोगों ने कमेंट किया है कि तुम देखने में एज में हमसे बड़ी दिखती हो, तो बोल रहे हैं बताओ मतलब लोग कैसे कह दे रहे हैं। एक्चुअली देखिए, कोई कोई होता है ना, कोई देखने में थोड़ा कम एज का दिखता है, उसका मतलब वो नेचुरल उसका लुक ही वैसा दिखता है, तो ये थोड़ा दिखते हैं। ये देखिए मेरे देवर साहब, इनसे 6 साल छोटे हैं, लेकिन फिर भी देखोगे आप दोनों तो सेम एज के दिखते हैं। तो एक लोग होते हैं कि जैसे मैं शादी से पहले मेरी बहनें मुझसे 7-8 साल छोटी हैं, लेकिन मैं उन लोगों की सेम एज की दिखती थी, तो ये चीज़ होता है। लेकिन शादी के बाद मतलब जो भी हो, थोड़ा सा मैं सिंदूर बिंदी का भी थोड़ा असर होता है, रहन सहन का भी थोड़ा सा असर होता है, और थोड़ा मोटी भी हुई हूँ, जो भी हो मतलब थोड़ा सा मैं दिखती हूँ, बट इनसे मतलब किसी ने सामने से आज तक ऐसा नहीं बोला है, मैं थोड़ा सा कैमरे में भी ऐसी दिखती हूँ और सामने से ऐसा कोई नहीं बोला है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं और ये मतलब सेम एज के ही हैं दोनों लोग। तो चलिए दोस्तों, फिर आज के ब्लॉग को यहीं पे कहते हैं टाटा बाय बाय, आप सबसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और तब तक आप सब रखिएगा अपना ख्याल, बहुत अच्छे से रहिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, बिल्कुल मेरी तरह। सच में मैं हमेशा हंसती रहती हूँ, मुस्कुराती रहती हूँ। और एक बहुत बड़ी ना खुशखबरी आने वाली है जल्दी से, तो पार्टी होगी, और चले फिर, जो लोग भी नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक जाता रहे और आप हमारे सारे वीडियोस देखते रहें। ओके दोस्तों, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।